हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-2022 के लिए जो है एप्लीकेशन इन्वाइटेड है। तो जैसा कि आपको पता है, NII जो कि इंस्टीट्यूट है इम्यूनोलॉजी का, यहाँ पर इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड इन्फेक्टियस एंड क्रोनिक डिजीज बायोलॉजी, मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर बायोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे जो इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज हैं वहाँ पर जो है काम किया जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका MSc किसी भी ब्रांच में हो, चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, MTech, MBBS, MBSC, तो आप जिसने किसी भी ब्रांच में जो MSc किया हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा 60% मार्क्स होना चाहिए आपका 10+12 में, मीन्स 10+2 में, बेस्ट डिग्री में, एंड 55% मार्क्स जो है वो आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए, जो सीट्स का रिजर्वेशन भी मेंशन कर रखा है कि अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो 15% सीट रिजर्व है, 7.5% ST के लिए, 27% OBC के लिए, और जो है 3% पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो सीट है वो यहाँ पे रिजर्व है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पे आपका होगा वो PhD प्रोग्राम के थ्रू होगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने दो चैनल्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं। चैनल वन क्या है कि आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो जो कि NII 2021 में खुद कंडक्ट कराएगा। और जो ये NII का एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम, ये ऑल ओवर इंडिया होगा, और जो इसकी डेट है उन्होंने मेंशन कर रखी 25 फरवरी 2021। वहीं के बाद फिर दूसरा चैनल के थ्रू, जिसके थ्रू आप आ सकते हैं, तो चैनल टू यहाँ मेंशन कर रखा है जो कि ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बायोलॉजी इंटर डिसिप्लिनरी लाइफ साइंस है। तो अगर आपने ये जो JEE बिल्स 2021 को अगर आपने क्वालिफाई किया तो डायरेक्टली आप जो इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये JEE बिल्स को अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको जो है NII का खुद का रिटर्न एग्जाम जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनका जो लिस्ट है वो 26 अप्रैल 2021 को जो है NII की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। अब बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की डेट भी ऑनलाइन होगा इंटरव्यू आपका, और डेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है 15 जून 2021 to 22 जून 2021। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है इन्होंने जो है ऑलमोस्ट डेट भी मेंशन कर रखी है इंटरव्यूज़ की भी, तो सारा कुछ क्लियर कट है कि आपको सारी डेट्स पता है कि कौन सा डेट इंटरेस्ट होगा, कौन सा डेट जो है आपका शॉर्टलिस्ट का जो लिस्ट है वो NII की वेबसाइट पे आएगा, और कब जो है आपका इंटरव्यू जो है होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो है मेंशन कर रखी है। इसके अलावा एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि अगर आपका जो है इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो PhD प्रोग्राम में सिलेक्शन होगा जो, और उसका जो एप्लीकेशन होगा वो JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो भी आपको PhD की डिग्री मिलेगी उसमें जो है एफिलिएशन आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं PhD प्रोग्राम स्टार्ट डेट की, तो स्टार्ट होगा 12 जुलाई 2021 को, एंड अलॉटमेंट ऑफ लेबोरेटरी एंड थीसिस सुपरवाइजर विल बी मेड बाय 19 जुलाई 2021 आफ्टर ज्वाइनिंग बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद फैकल्टी मेंबर इन द कैंडिडेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल प्रेफरेंस। इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास JRF नहीं है तब भी NII करंटली प्रोवाइड जूनियर फेलोशिप ऑफ ₹31,000 फॉर पर मंथ टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है तब भी आपको यहाँ पे 31,000 जो है वो पर मंथ दिया जाएगा। अगर आपके पास CSI, UGC, ICMR, DBT और DST है तो आप जो है अपना फेलोशिप खुद भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो है NII जो है आपको यहाँ पर 37,000 जो है आपको पर मंथ लाइक फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। NII जो रेसिडेंशियल कैंप है, शेयर्ड हॉस्टल एकोमोडेशन किया, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है हॉस्टल भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप NII की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए हो और वहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन को। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल और OBC के लिए वो 1,000 रुपीज़ है और SC ST PWD के लिए 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 4 जनवरी 2021 टू, और जो लास्ट डेट है वो है 25 जनवरी 2021। तो जितना जल्दी हो सके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे नंबर और मेल आईडी मेंशन कर रखें, तो इस पर आप जो है अपना क्या बोलते हैं कि अपना जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। की डेट्स देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की 4 जनवरी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग 25 जनवरी 2021 है, एडमिट कार्ड जो आपके अवेलेबल होंगे वो 11 फरवरी के होंगे, और जो NII का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 25 फरवरी को होगा। तो यहाँ पे देखिए
जो है एवरीथिंग इज क्लियर। आप देखिए उन्होंने देखिए एक बात और मैंशन कर रखी, ये जो डेट उन्होंने बोली वो डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग कोविड-19 कंडीशन की बेस पे इन्होंने ये डेट रखी है। अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं या कुछ और लाइक चेंजेस आते हैं या जो भी अभी नया म्यूटेंट स्ट्रेन आया जो कि यूके से आया, अगर उसका जो नंबर है अगर वो बढ़ता है तो मे बी जो चेंज है वो डेट है वो चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अगर डाउट है या कोई भी लाइक आपको पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।